लिनक्स टेलनेट डी है ना, इसका वर्जन उठा लो और चेक करो कि ये एक्सप्लोइटेबल है या नहीं, और चेक आप अपने आप करोगे। मैं अभी जस्ट अभी बताया कि किस तरह से चेक होता है। राइट, लिनक्स टेलनेट डी उठा लो, इसे कॉपी कर लो। सो वी हैव रिमोट कोड एग्जीक्यूशन फॉर टेलनेट डी फंक्शन पॉइंटर ओवर राइट, राइट वी हैव टू स्क्रिप्ट्स। सो अभी जिस तरह से मैंने करके दिखाया था उसी तरह से इस एक्सप्लॉइट को कॉपी करो। बट वन सेकेंड, दिस इज नेट कैट टेलनेट एंड देर इज टेलनेट डी, नो ये तो वो आपकी स्क्रिप्ट है ही नहीं। ठीक है, तो MSF कॉन्सोल ही ओपन कर लो। ठीक है, और एक नई टैब ओपन करो MSF कंसोल के साथ, एक नई टैब ओपन करो। राइट, और एक काम कर सकते हैं हम, ये चीज चेक कर सकते हैं कि टेलनेट का हमारे पास अनोनिमस लॉगिन अवेलेबल है या नहीं, या फिर अगर नहीं भी होगा तो हम MSF एडमिन के थ्रू लॉगिन करके देखेंगे। ठीक है, तो नई टैब जो हमने ओपन करी थी उसमें चले जाओ और टेलनेट, उसके बाद आईपी दे दो और लॉगिन करो MSF एडमिन, MSF एडमिन। सो टेलनेट के थ्रू हमको यहाँ शेल मिल गया है, राइट, और सारा हमें मेटा एक्सप्लॉइटेबल में सारी डायरेक्टरीज यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है, एक काम कर सकते हैं हम, एटसी डायरेक्टरी में जाओ, एटसी में inet डालो, कैट inet डी, inetd.conf। तो ये टेलनेट जो आपका होता है उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। यहाँ पे ये क्या ओपन हुआ है, ओके ठीक है, तो यहाँ पे इसने बता रखा है आईनेट डी में टेलनेट स्ट्रीम टीसीपी नो वेट टेलनेट डी यूजर एसबिन टीसीपी डी। ठीक है, एसबिन में इन डॉट टेलनेट डी के नाम से सेव है। ठीक है, एफटीपी स्ट्रीम में है टीसीपी नो वेट, रूट ऑन कर रहा है और यूजर बिन टीसीपी डी। ठीक है, और ये भी सिस्टम की बाइनरी है और इन डॉट एफ टी पी डी से नाम से सेव है। ठीक है, शेल लॉगिन और एग्जीक्यूट। ओके, सो आई नेट डी हमने देख ली, यहाँ पे आई नेट डी में कुछ नहीं है। हमारे पास एक फाइल और होती है कैट एट सी, मतलब एट सी में तो है ही, चलो तो एक फाइल होती है एक्स आई नेट डी, एक्स आई नेट डी, आई नेट डॉट डी है। वेल एक बार चेक कर लो, एक बार लिस्ट करो सारा एट सी में। वेल सारा मत लिस्ट करना, बहुत सारी फाइल आ जाएंगी, चलो कोई नहीं। राइट, दैट वन एक्स आई नेट डी डॉट डी, राइट, दिस वन मस्ट बी डिरेक्टरी एंड द फाइल अबव दैट इज कॉन्फिग्रेशन फाइल। एंटर करो, लिस्ट करो।
ओके, चार्ज एंड डे टाइम डिस्कार्ड, एको टाइम, BSF TPD यहाँ पे नहीं है हमारा टेलनेट के लिए कुछ। वापस आओ, CD डॉट डॉट करो, और जो आपकी एक्स आई नेट डी वाली जो फाइल है उसको ओपन करो, एक्स आई नेट डी डॉट कॉन्फ वाली जो फाइल है उसको ओपन करो। डॉट कॉन्फ, inetd.conf, ओके, एंटर। सो प्लीज नोट दैट यू नीड अ लॉग टाइप लाइन, लॉग ऑन सक्सेस, सिस लॉग डीमन इन्फो। तो यहाँ पे भी टेलनेट से रिलेटेड कुछ नहीं मिला हमें, ठीक है। सो कोई नहीं, छोड़ो इसे, हम क्या करते हैं अब दूसरी तरह से देखते हैं, MSF कंसोल के थ्रू देखते हैं कि MSF कंसोल के थ्रू हम किस तरह से लॉगिन ले सकते हैं। MSF कंसोल हमने दूसरे टैब में खोला था, उसमें आ जाओ। सो हमारे पास एक स्क्रिप्ट होती है टेलनेट लॉगिन के नाम से, ठीक है। तो सर्च कर लो एक बार, सर्च टेलनेट लॉगिन, एंटर करो, स्पेस दे दो, टेलनेट और लॉगिन के बीच में स्पेस दे दो, एंटर करो। स्टिल तुम टेलनेट की स्पेलिंग गलत लिख रहे हो। ओके, सो टेलनेट लॉगिन वी आर गेटिंग, राइट। तो फिफ्थ वाली स्क्रिप्ट जो है वो आपकी यूज होगी यहाँ पे, एंटर करो और ऑप्शंस चेक करो। राइट, सो यहाँ पे आप जो भी आपको ब्रूट फोर्स करना है, परफॉर्म करना है, वो यहाँ से परफॉर्म कर सकते हो। यूजर फाइल में आप स्क्रिप्ट दे सकते हो, ठीक है। तो रिमोट होस्ट सेट कर दो, यूजर फाइल और पासवर्ड फाइल दे दो, ठीक है। और यूजर फाइल और पासवर्ड फाइल में उन यूजर्स के नाम होने चाहिए, तभी आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। या फिर कोई बड़ी वर्ड लिस्ट यूज कर सकते हो, जिसमें कि आपको यूनिक्स यूजर्स या फिर जो आपके किसी भी लिनक्स पे जो सर्विस यूजर्स भी होते हैं उनके भी नाम हो, ठीक है। ऐसी वर्ड लिस्ट यूज करना, जैसे मैंने तो मेटास्प्लॉइट में यूनिक्स यूजर्स वाली वर्ड लिस्ट यूज करी थी, ठीक है। तो यहाँ पे डालो, सेट करो यूजर फाइल, रिमोट पोर्ट 23 है, वो अपने आप सेट है। यूजर नेम और पासवर्ड, मतलब यूजर फाइल और पासवर्ड फाइल सेव कर दो। यूजर फाइल आपके पास जाओ, यूजर शेयर स्लैश यूजर स्लैश शेयर, यूजर फाइल पहले सही से लिखो, जैसे वहां पे लिखा है ना, यूजर अंडरस्कोर फाइल, यूजर कैपिटल, सारा सब कुछ कैपिटल है। अंडरस्कोर फाइल, फाइल्स नहीं है, फाइल है केवल। और अब स्पेस दो, स्लैश यूजर यूएसआर, यूजर और स्मॉल रहेगा सब कुछ, शेयर स्लैश शेयर वर्ड लिस्ट, टैब दबा दोगे वो ऑटो कंप्लीट कर देता है। उसके बाद स्लैश मेटास्प्लॉइट, राइट। देन मेटास्प्लॉइट में आपके पास यूनिक्स यूजर्स होते हैं, यूनिक्स यूजर नाम से एक आपको मिलेगी, तो यूनिक्स डालो यहाँ पे मेटास्प्लॉइट के बाद। हेलो, स्क्रीन हैंग हो गई क्या? राइट, तो यूनिक्स यूजर्स डालो यहाँ पे,
क्या हो गया सैम? अच्छा सैम हैंग हो रहा है क्या? नहीं सर, आपकी वॉइस नहीं आई। हाँ वॉइस नहीं आ रही? जी बाकी सर, सबके साथ भी यही है, किसी को वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी? अभिषेक, हेलो, यस सर, अब आ रही है वॉइस मेरी ठीक से? चलो, सर। अब यहाँ पे यूनिक्स यूजर्स डालो, यूनिक्स, और राइट, अपने आप ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा वो, ये आपकी एक वर्ड लिस्ट होती है, टैब दबाओ, राइट, एंटर कर दो। इसी तरह से पासवर्ड फाइल सेट कर दो, सेम सेम पाथ पे है, ठीक है, बस लास्ट में यूनिक्स पासवर्ड डॉट txt हो जाता है। पासवर्ड फाइल है, पास पास नहीं है। ओके okay.